पहले सिलेक्शन, अफेयर, तलाक की अर्जी और फिर बवाल। एसडीएम ज्योति मौर्य केस के नाटकीय मोड़। एसडीएम पत्नी को 12 साल पहले की झूठ याद आई, तलाक देकर नए रिश्ते बनाने निकली। पति आलोक मौर्य ने भी ठान लिया, शिखर तक ले जाने के लिए उसने जो पसीना बहाया उसकी कद्र नहीं तो अब जमीन पर फिर से लाकर रहेंगे। एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी जो उस महिला का पति है जो एक एसडीएम है, दोनों के रिश्ते 12 साल तक ट्रैक पर होते हैं लेकिन 13 साल में दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। पति की नजरों में पत्नी ने बेवफाई की, पत्नी भी कहने लगी झूठ की बुनियाद पर उनका रिश्ता गढ़ा गया। पति ने भी ठान लिया, जिस मुकाम तक उसने पहुंचाया फिर उसी जगह अपनी पत्नी को लाकर रहेंगे जहां से उसने शुरुआत की और फिर बदला लेने की कहानी की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्जाम लगाए, अगर साबित हो गया तो दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, नुकसान उनका भी और नुकसान उनकी दो बेटियों का भी। चलिए पति पत्नी और वो की पूरी कहानी से आपको वाकिफ कराते हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य, ये नाम बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल ये एक पति से पत्नी की ओर से पहल की गई उलझते रिश्ते की कहानी है, जिसमें पति को जब लगने लगता है वो सफलता के शिखर पर है तो उसे अपने पति से कड़वाहट की याद आती है और जिंदगी में मूव ऑन करना चाहती है। शादी, प्यार, नफरत और विवाद के बीच आकर के शीज ने वर्षों पुराने रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठूंक दी। क्या रिश्ते टूटने के पीछे क्या गलतफहमी, आपसी मतभेद और विश्वासघात है या साथी का अपमानजनक बर्ताव? अमूमन कोई अलग होने का रास्ता तब चुनता है जब दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीद के रास्ते, किसी दूसरी संभावना के उगने के रास्ते। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का रिश्ता शादी के बाद साल 2022 तक ठीक रहा लेकिन साल 2023 की शुरुआत होते ही संबंध दरकने लगे। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाने शुरू कर दिए और ये एक पुलिस केस बन गया। एसडीएम ज्योति मौर्य यूपी के बनारस जिले की रहने वाली हैं। ज्योति मौर्य के पिता चक्की चलाते हैं, उसी पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ज्योति मौर्य की आलोक मौर्य के साथ शादी हुई थी, उस वक्त ज्योति ग्रेजुएशन कर रही थी। शादी के बाद ज्योति ने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। ज्योति पढ़ने में होशियार थी, उनकी रुचि को देखते हुए आलोक उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने का फैसला लिया। ज्योति मौर्य ने ससुराल में रहकर जब स्नातक कर लिया तो उनके पति आलोक मौर्य ने उन्हें यूपीएससी की कोचिंग के लिए प्रयागराज भेज दिया। ज्योति पढ़ाई में शुरू से होशियार रही, ज्योति ने मेहनत की और उसका परिणाम रंग लाया। साल 2015 में उनका चयन पीसीएस में हो गया। 2015 की पीसीएस एग्जाम में ज्योति ने 16वीं रैंक हासिल की। ज्योति का जिस समय सिलेक्शन हुआ तो अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने ससुर और पति को दिया। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनके पिता अध्यापक थे जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए, अब वो प्रयाग राज में रह रहे हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में पूरी की, ग्रेजुएशन के बाद परीक्षाओं की तैयारी भी। उसी बीच पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिल गई, पुलिस में सिलेक्शन हुआ लेकिन किसी वजह से ज्वाइन नहीं किया। इस समय आलोक प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस अधिकारी बनने के बाद कौशाम्बी, जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ में तैनात रहीं। इस समय वो बरेली के चीनी मिल में जेएम के पद पर हैं। ज्योति के शादी के बाद दो जुड़वा बेटियां हुई जो इस समय ज्योति के साथ रह रही हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ी चीनी मिल में जेएम के पद पर हैं। अब वो अपने पति से अलगाव चाहती हैं, पति से तलाक चाहिए क्योंकि अब उससे पति आलोक की ओर से 13 साल पहले बोले गया झूठ याद आने लगा। वो कहती है उससे झूठ बोलकर शादी की थी जिसमें बताया गया था कि आलोक अधिकारी है लेकिन अब पता चला कि वो सफाई कर्मचारी है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक शादी का कार्ड भी वायरल हो गया। ज्योति ने एक कार्ड मीडिया के सामने लाकर रखा, इसमें आलोक के नाम के आगे जिला पंचायत अधिकारी लिखा है। ज्योति के पति आलोक ने कहा कि कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपाया गया, जब शादी हुई थी तो उस समय ज्योति टीचर नहीं थी जबकि कार्ड में उनके नाम के आगे अध्यापिका लिखा है, यह पूरी तरीके से झूठ है। रिश्तों में दरार आई तो ज्योति के पति आलोक मौर्य भी खामोश नहीं रहा, अपनी एसडीएम पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। आलोक ने कहा कि अधिकारी बनने के बाद ज्योति की दोस्ती पीपीएस अधिकारी मनीष दुबे से हो गई। गाजियाबाद में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पीपीएस अधिकारी हैं, वो भी शादीशुदा हैं। आलोक ने कहा कि मनीष ज्योति से शादी करना चाहता है, इसलिए ज्योति और मनीष ने मिलकर मुझे रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। इसमें ज्योति की व्हाट्सएप चैट हाथ लग गई जिससे ये खुलासा हुआ। ज्योति और मनीष के बीच हुई बातचीत की व्हाट्सएप चैट वायरल हो गई। आलोक मौर्य इस मामले की शिकायत लेकर 25 अप्रैल को थाने पहुंचे थे लेकिन शिकायत थाने में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य से की लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। आलोक ने शिकायती पत्र में कहा था कि पिछले लंबे समय से पत्नी ज्योति बात नहीं कर रही थी, कई बार घर में विवाद हो चुका है। इसके बाद ज्योति मौर्य 7 मई को आलोक के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने गई थी। पुलिस ने उनका केस दर्ज कर लिया था लेकिन आलोक मौर्य भी खामोश नहीं रहा। शायद उसे लगने लगा पत्नी उसके पास वापस नहीं लौटेगी तो उसने भी ठान ली उसी जमीन पर अपनी पत्नी को लाया जाए जहां से फर्श से अर्श तक पहुंची, अब अर्श से फिर फर्श पर लाना चाहता है। आलोक मौर्य ने एक डायरी की फोटो वायरल कर दी। आलोक ने कहा कि इस डायरी में वो सब है जिस जिस से ज्योति मौर्य वसूली करती थी, किस व्यक्ति से कितने लाख रुपए लिए, किससे कितने लेने हैं, इसका लेखा जोखा डायरी में है। आलोक ने कहा कि इस वसूली लिस्ट में एल का मतलब लाख और टी का मतलब 1000 है, यानी इसकी जांच करा दी जाए तो सारी चीजें खुल जाएंगी।